कितना सुंदर वन है भैया, देखिए उस मृग को देखिए भैया, वो देखिए भैया, वो देखिए। यथार्थ कह रहे हो, अति सुंदर वन है। भाभी देखिए कितना सुंदर वन है। हम यही कुटिया बनाएंगे। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्रातिशीघ्र झोपड़ी का निर्माण करता हूं। जाओ लक्ष्मण, आज्ञा है तुम्हें। जो आज्ञा भैया। आओ सीता। अति मनोरम स्थल है ना स्वामी। हाँ सीता, मुझे विश्वास है कि लक्ष्मण की सहायता से यहाँ तुम्हारा बहुत ही सुंदर भवन निर्मित होगा। इतनी शांति यहाँ पे, कदाचित जानकी अब तुम इस कुटिया का सिंहराग। अवश्य प्रभु, जानकी तुम श्रृंगार करो, मैं थोड़ी देर तप करता हूँ। भैया बोलो लक्ष्मण। आपके लिए फल लाया हूं। धन्यवाद। अति स्वादिष्ट है ये लक्ष्मण, अति स्वादिष्ट। सीते आपका ये भवन अति सुंदर लग रहा है। हाँ प्रभु, हमारा कुटिया बन गया। राता लक्ष्मण। जी भैया। बहुत ही कुशल निर्माण किया है तुमने भवन का। भैया बस कुछ ही समय में कुटिया का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। मुझे विश्वास। माता अब आप भी विश्राम कीजिए, आपने बहुत मदद करी मेरी। अवश्य पुत्र। बस भैया कुछ ही समय में इसका निर्माण संपूर्ण हो जाएगा, फिर आप विश्राम कर सकेंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम्हें भी विश्राम की आवश्यकता है। Thank you.
भैया कुटिया का निर्माण संपन्न हुआ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप और भाभी तनिक विश्राम करें। लक्ष्मण जी भैया। लक्ष्मण आज तो प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। मैंने सुना है भगवान श्री हरि महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं। क्या ये वही राम है? मैं इनके बल की परीक्षा लेता हूँ। विश्राम की आवश्यकता है। क्या हुआ? क्योंकि आप तारे शॉट अगर धनुष निकलना में छोड़ दें। बड़ा उदंडी पंछी था। हाँ प्रभु। हे प्रभु, बहुत ही कष्ट हो रहा है मुझे। सीते, हमने उसे उसकी करने की सजा दे दी। सीते लाओ। Thank you.
शरीर से ले जा रहा है। पुत्र जयंता, तुम इतने व्याकुल और तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? हे भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करते हुए पंचवटी जा पहुंचा। वहां मैंने ये देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे और मैंने प्रभु के बल की परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मैंने अपनी जोत माता जानकी जी के चरणों पर मार दी। तभी प्रभु ने क्रोधित होकर मुझ पर बिना फर्क का बाण चलाया, जिससे मेरा शरीर जले जा रहा है। मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, हे भोलेनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए। ये तो तुमने घोर अपराध किया है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारी इस दशा के कारण मेरी कैलाश नगरी भी जल रही है। तुम यहां से शीघ्र भाग जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए पिताश्री, मेरा शरीर जले जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। जनता, तुम्हारी ये दुर्दशा? हे पिताश्री, एक बार मैं भ्रमण करते हुए पंचवटी जा पहुंचा। वहां मैंने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे और मैंने प्रभु के बल की परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मैंने अपनी चोट माता जानकी जी के चरणों पर मार दी, जिससे प्रभु ने क्रोधित होकर मुझ पर बिना फर्क का बाण चलाया, जिससे मेरा शरीर जले जा रहा है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए पिताश्री। तुमने तो ये बड़ा ही दुष्ट कार्य किया है। जाओ, शीघ्र चले जाओ, तुम्हारे ही कारण मेरी पूरी इंद्र पूरी जले जा रही है। नारायण नारायण।
नौरत जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए नारद जी। नारायण नारायण, क्या हुआ पुत्र जयंता, तुम इतने व्याकुल नजर आते हो। हे नारद जी, एक बार मैं भ्रमण करते हुए पंचवटी जा पहुंचा और मैंने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे और मैंने प्रभु के बल की परीक्षा ले ली चाहिए। तभी मैंने अपनी चोट माता जानकी जी के चरणों पर मार दी, जिससे प्रभु ने क्रोधित होकर मुझ पर बिना फर का बाण चलाया, जिससे मेरा शरीर जले जा रहा है। मेरी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण, पुत्र जयंता, यह तो तुमने घोर पाप किया है, तुम्हें सिर्फ प्रभु श्री राम ही दिला सकते हैं, तो तुम प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे जयंता, तुमने घोर अपराध किया, उसका दंड तो तुम्हें अवश्य भोगना होगा। अवश्य प्रभु। मेरे पास आओ। मेरे पास आओ।
अच्छा लगे तुम्हारा भवन। बहुत ही सुंदर कुटिया निर्माण किया है लक्ष्मण भैया ने। कदाचित लक्ष्मण में कई गुण हैं, उनमें से एक निर्माण। लक्ष्मण को भी समय लग गया है, फल लाने भेजा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्राता लक्ष्मण को धनुर्विद्या का अभ्यास करने का मौका मिल गया होगा। लक्ष्मण, बस प्रभु, कभी कभी अयोध्या की याद आती है। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी अच्छे रहेंगे, माताएं भी अच्छी होंगी। हाँ सीता, कदाचित सीता तुम्हें पशुओं से बड़ा लगाव है। इस वन में तुम्हें कई प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि सब मिलेंगे, तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। की
हे प्रिय। हाँ प्रभु। प्रिय, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, मन में आनंदमय है। पंचवटी बड़ा ही रमेय स्थान है। सत्य कहा प्रभु आपने, बड़ा ही मनोरम। इतने पंछी, सीते, पुष्प, वो पहाड़ और ये नीला जल कितना सुंदर है प्रभु। मैंने तो कभी राजमहल से बाहर ही नहीं आई और आज ये वन का आनंद ले रही हूँ। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आज्ञा दिया आपके साथ आने की। सीते, कदाचित ये प्रकृति, ये वन अति सुंदर है पर तुमसे अत्यधिक सुंदर कदापि नहीं। जय श्री राम। अत्यंत आनंद आ रहा है प्रभु, अत्यंत आनंद आ रहा है। कदाचित बस लक्ष्मण की प्रतीक्षा है। हाँ प्रभु, कहाँ है भैया लक्ष्मण, कब से दिखाई नहीं दे रहे। अति शीघ्र वो लौट आए। चलिए प्रभु, आप विश्राम कीजिए। आपके पैर तो नहीं दुख रहे, मैं आपकी चैन की सेवा कर देती हूँ। सीते, तब तुम्हें भी आराम की आवश्यकता है। हाँ प्रभु, कुछ देर पश्चात।
सीधे वो देखो लक्ष्मण आ गया। भैया मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ और कुछ कंदमूल फल। माता ग्रहण कीजिए। फल लीजिए माता। ये तो लक्ष्मण कैसे हैं भैया, इनका स्वाद कैसा है? अनेकों कंदमूल फल देखने के पश्चात मैं इनको चुनकर लेकर आया हूँ। किंतु लक्ष्मण मेरे मन में एक सवाल है। जी भैया। तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? कहीं धनुर्विद्या का अभ्यास तो नहीं करने लग गए थे? ऐसा नहीं है भैया, समय आने पर मैं निश्चित रूप से इसकी शक्ति का प्रदर्शन भी करूंगा। भाभी कैसे लगे आपको ये फल? अत्यधिक स्वादिष्ट है ना? बहुत ही स्वादिष्ट है भैया, बहुत ही स्वादिष्ट। अत्यधिक स्वादिष्ट है भैया, भाभी को भी दीजिए ना ये। सीते लाओ, तुम्हें मैं खिलाऊं। लक्ष्मण तुमने खाया? नहीं भैया, आपके खाने के पश्चात ही मैं इनका सेवन करूंगा। आप तो जानते हैं ना, आपसे पूर्व आज तक मैंने कभी भी भोजन ग्रहण नहीं किया। फिर भी लक्ष्मण अपने भ्राता के हाथ से एक फल खाओ। जो आ गया भैया। बताओ लक्ष्मण, क्या क्या देखा तुमने इस वन में? उत्तम भैया, सर्वोत्तम। ऐसे फल मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाए। भैया क्या आपने चलो तुम भी विश्राम कर लो और सीता तुम भी विश्राम कर लो। तो भैया आपने अभी तक विश्राम नहीं किया। तुम्हारा इंतजार कर रहा था लक्ष्मण, जब तक तुम नहीं आओगे तो मैं विश्राम कैसे कर लूं। चलो विश्राम। चलिए माता, चलिए भैया। धन्यवाद प्रिय भ्राता। लक्ष्मण सीते वो देखो। देखो प्रिय, यहाँ पे अनेक जानवर भी। ये चीते का परिवार किस खुशहाली से देखो
अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैंने पहली बार इतने सम्मुख से देखा है प्रभु। उधर जाओ, भैया का आशीर्वाद ग्रहण करो, आप दो इधर ही रहें। कल्याण हो। भैया कल्याण। भैया ये कैसा अचंभा, इतने खूंखार शिकारी आपके आते ही इनका स्वभाव भी निर्मल हो गया। कोमलता हर जीव में होती है लक्ष्मण, और आज इनने ये बात शेष भी कर दी। भैया ये कैसे संभव है कि इतने खूंखार प्राणी इनका स्वभाव देखिए तो सही आपके आते ही कैसे बदल गए। लक्ष्मण स्वाभाविक रूप से ये भी कोमल ही है, बस अपनी भूख के लिए। लक्ष्मण जी भैया ये निर्मल प्राणी है, इन्हें जब तक कोई छेड़ता नहीं ये तब तक किसी को कष्ट नहीं देते। एक मनुष्य ही है जो बिना किसी बात के दूसरों को कष्ट देता है। सत्य कहा भैया आपने, जब तक आप किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे वो कदापि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सत्य में साफ स्वामी, इतने हिंसक जीव आपके सम्मुख इतने शांत है। भैया भाभी आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं कुटिया के बाहर पहरा देता हूँ। लक्ष्मण क्या तुम्हें विश्राम की आवश्यकता नहीं? जी भैया। जैसी तुम्हारी आज्ञा। शुभ नखा रावण की बहनी, शुभ नखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुम अहीनी, दुष्ट हृदय दारुण जिम अहीनी, पंचवटी सो कई के बारा, पंचवटी सो कई एक बारा दिखी।
पंचवटी का मनोरम दृश्य देखकर रावण की बहन शूर्पणखा आकाश मार्ग से गुजरती हुई अपने ही मगन में मगन वो ये देखती हुई जा रही है कि क्या हो रहा है। अकस्मात उसकी नजर पंचवटी में बैठे हुए दोनों राजकुमारों पर जाती है और उन्हें देखकर वो मोहित हो जाती है। आकाश मार्ग से आती हुई शूर्पणखा है, क्या बहार है, आज तो पंचवटी की शोभा वैकुंठ से बढ़कर लगती है। क्या मौसम है, मानुषगण मानुषगण ये मानुषगण किस ओर से आ रही है। ये मानुषगण किस ओर से आ रही है। मानुषगण मानुषगण उस ओर से आ रही है।
से आ रही है। ये मानुषगण उस ओर से आ रही है। युवक है खाने योग्य नहीं विवाह के योग्य है। विवाह के योग्य कितने सुंदर युवक है। यदि इनसे मेरा गंधर्व विवाह हो जाए मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। क्यों ना चलकर इनसे अपने विवाह की बात करूं। नहीं नहीं यदि मैं इस स्वरूप में इनके सम्मुख गई तो मुझसे कदापि विवाह नहीं करेंगे। क्यों ना मैं अपना सुंदरी स्वरूप धारण करूं और इनसे अपने विवाह की बात करूं। यदि इन दोनों में से किसी एक से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पहले मैं सांवरन वाले के पास जाती हूँ
राजकुमार, विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बड़ा ही सोच समझ के रचा है। सच पूछो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पुरुष और ना ही मेरे समान कोई स्त्री है, इसलिए तुम उससे गंधर्व विवाह कर लो। हे सुंदरी, हम तो विवाहित हैं, एक नारी व्रत वाले। मेरा भाई लक्ष्मण जो मुझसे छोटा है, तुम्हें भली भांति
समझा सकता है। तुम उसके पास जाओ। अच्छा चलो उससे ही बात कर लेते हैं। सुंदरी मौन कर दाता पराधीन तौर तुरासा। हे सुंदरी सुनो, तुम जिनके पास से आई हो मैं तो उनका दास हूं और इसलिए मैं पराधीन हूं। वो ही तुम्हें भली प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि उनको सब कुछ शोभा देता है। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ। राजकुमार